रविवार की छुट्टी का भाजपा ने भरपूर फायदा उठाया। भाजपा ने अधिक से अधिक क्षेत्र में सघन जनसंपर्क किया। वहीं चुनाव प्रचार की बढ़ती उमस और रविवार का दिन प्रत्याशियों के साथ ही लोगों में भी उत्साह का संचार कर रहा था। कारण स्पष्ट था कि आज छुट्टी का दिन था जिसका सभी भरपूर उपयोग करना चाह रहे थे, तो फिर प्रत्याशी कैसे पीछे रहते। उन्होंने भी आज के दिन का खूब फायदा उठाया और ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में जनसंपर्क किया। वार्ड 81 में महापौर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव के साथ ही पार्षद प्रत्याशी अभिषेक बबलू शर्मा ने रोड शो किया। क्योंकि ये लखनगौर की अयोध्या कही जाती है, तो यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी अपनी जीत पक्की मानकर चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के युवा प्रत्याशी पुष्पमित्र जी भार्गव का हार्दिक स्वागत करता है। जीते कांग्रेस सिंह ठाकुर मित्र मंडल आपका हार्दिक स्वागत करता है। पुष्पमित्र जी भार्गव का हार्दिक स्वागत करते हैं। उचित ठाकुर रविवार के दिन वार्ड 81 में महापौर पद हेतु पुष्यमित्र भार्गव एवं पार्षद प्रत्याशी बबली शर्मा ने रोड शो किया है, जिसका विभिन्न स्थानों पर फूलों की वर्षा करके स्वागत किया गया। इस दौरान रैली में महापौर प्रत्याशी के साथ ही मधु वर्मा भी पूरे समय साथ रहे। चूंकि ये क्षेत्र लखनगौर की अयोध्या मानी जाती है, तो यहाँ पर बीजेपी को उसका पूरा लाभ मिलता है। क्षेत्र के मतदाताओं ने अपने इरादे भी साफ कर दिए हैं। उनका कहना है कि यहां से बीजेपी को भारी मतों से जीत दिलाएंगे। रविवार की छुट्टी का फायदा उठाते हुए बीजेपी ने अधिक से अधिक क्षेत्र में सघन जनसंपर्क किया। चुनाव प्रचार की बढ़ती उमस और रविवार का दिन प्रत्याशियों के साथ ही लोगों में भी उत्साह का संचार कर रहा था। 81 में महापौर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव के साथ ही पार्षद प्रत्याशी अभिषेक बबलू शर्मा ने ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में जनसंपर्क किया। चूंकि ये लखनगौर की अयोध्या कही जाती है, तो यहां से बीजेपी प्रत्याशी अपनी जीत पक्की मानकर चल रहे हैं। ऑथेंटिक आंख है, आपकी आंखों से बताइए कि कैसा प्रतिशत मिल रहा है। इस क्षेत्र की हजारों जनता आज रोड पर है और पुष्यमित्र जी के स्वागत के लिए आतुर है। इतना जोश, इतना उत्साह कई सालों बाद किसी प्रत्याशी के लिए देखने को मिल रहा है और मुझे विश्वास है कि यहां से ऐतिहासिक रूप से पुष्यमित्र जी को जिताकर हम इंदौर नगर निगम की महापौर की कुर्सी पर बिठाएंगे। मैं देखिए लगातार पहले दिन से कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की जीत का आधार उसका किया हुआ काम है, शहर का विकास है, जनता के चेहरे की मुस्कुराहट है। और मैं अब एक बात और ये कहना चाहता हूँ कि ये जो प्रतिसाद मिल रहा है, ये जवाब है मेरे प्रतिद्वंद्वी जो भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। उनका कहना है कि मैं घर तक जन्म और मृत्यु का प्रमाण पत्र पहुँचाऊँगा, रजिस्ट्रेशन घर पे पहुंचाऊंगा। उनको शायद जानकारी नहीं है कि नगर निगम पहले से ऑनलाइन है और ऑनलाइन सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो मेरा कुल मिला के ये है कि जो भ्रम का प्रचार है, नगर निगम के कर्मचारियों के अपमान का प्रचार है, इंदौर शहर की जनता के अपमान का प्रचार है प्रतिद्वंदी द्वारा, उसका जवाब सड़कों पर निकले ये लोग जो मुझे और पार्टी के काम को आशीर्वाद देने आए हैं। आप देखेंगे महापौर जी का और हमारे पार्षद प्रत्याशी का जिस तरह का अद्भुत स्वागत, मतलब मैं समझता हूँ कभी इंदौर के इतिहास में ऐसा स्वागत नहीं हुआ। और आप देख रहे हैं कि मतलब शुरू से जहाँ स्टार्ट हुआ हमारा सूरदेव नगर से, और लगातार मंच के माध्यम से घर में निकल निकल के महिलाएं, बहनें, बच्चे सब आरती उतार रहे हैं हमारे महापौर की। और मैं समझता हूँ कि हम प्रचंड बहुमत से इंदौर के अंदर महापौर जी को जिताएगी जनता और हमारे पार्षद को भी जिताएगी।